इस साल बॉलीवुड में कई स्टार कपल्स ने शादी रचा ली। बात अगर आथिया शेट्टी और केएल राहुल के एक निजी विवाह समारोह में शादी करने से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी द्वारा राजस्थान में शाही शादी करने से करें, या स्वरा भास्कर का खुलकर सामने आना और फहद अहमद के साथ अपनी शादी की घोषणा करना, आज हम आपको 2023 में शादी करने वाले 5 बॉलीवुड कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए एक से बढ़कर एक दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं आथिया शेट्टी और केएल राहुल। कई सालों तक डेटिंग करने के बाद आथिया शेट्टी और केएल राहुल ने 23 जनवरी को सुनील शेट्टी के खंडाला बंगले में एक निजी विवाह समारोह में अपने करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में शादी कर ली। अपनी भव्य पारंपरिक शादी के बाद नव विवाहित जोड़ा बाहर आया और कार्यक्रम स्थल के बाहर एकत्र मीडिया का अभिवादन किया और तस्वीरों के लिए पोज दिया। उसके बाद दोनों ने अपने बॉलीवुड और क्रिकेट दोस्तों के लिए रिसेप्शन भी अरेंज किया। दूसरे नंबर पर आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। अपनी लव स्टोरी को लंबे समय तक हाइड रखने के बाद सिद्धार्थ और कियारा ने आखिरकार 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शाही अंदाज में शादी कर ली। शादी में उनके करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स शामिल थे। उन्होंने हल्दी मेहंदी और संगीत जैसे रस्मों को भी खूब उल्लास के साथ मनाया। इस न्यूली मैरिड कपल ने मुंबई में अपने दोस्तों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन भी अरेंज किया। तीसरा नाम आता है राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने आप नेता राघव चड्ढा संग ब्याह रचा लिया। उनकी शादी 24 सितंबर 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस में हुई। उनकी शादी लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही। चौथा नाम आता है हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक 2020 में लॉकडाउन के कारण एक नॉर्मल शादी के बंधन में बंध गए थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे अगस्त्या को जन्म दिया। उसके बाद 2023 में कपल्स ने दोबारा ग्रैंड शादी की। यह शादी समारोह उदयपुर में रखा गया। आपको बता दें कि हार्दिक और नताशा ने 2 विवाह समारोह किए, एक ईसाई और दूसरा हिंदू तरीके से, जिसमें केवल उनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। स्वरा भास्कर और फहद अहमद। स्वरा ने 16 फरवरी को राजनेता फहद अहमद के साथ अपनी शादी के अनाउंसमेंट कर फैंस को शॉक्ड कर दिया। 8 जनवरी को स्वरा ने एक फोटो अपलोड की और कैप्शन लिखा, यह प्यार हो सकता है। अभिनेत्री ने मुंबई में अपनी शादी की तस्वीरें भी साझा की और उन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार भी मिला। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ खास टॉपिक लेके। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर।